अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज हम आ चुके हैं जबल रहमत पहाड़ी पे। यहाँ पे दो नफल अदा करते हैं, तो यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी हज़रत अम्मा हव्वा से। तो बाकी डिटेल जो है ना, हमारे साथ जो गाइडनेस है वो बताएंगे आपको डिटेल, क्योंकि इतना सारा हमें भी याद नहीं रहता। तो उसके बाद हम ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करेंगे। 20-25 मिनट का टाइम होता है तो ऊपर चढ़ेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बाकी आपको डिटेल बताते हैं भाई। इस टाइम हम जबल रहमत के पास मौजूद हैं। जबल रहमत ये वो मकाम है जहाँ पर हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कसवा नामी उठनी के ऊपर बैठ के 4.5 घंटे तक अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआ करी। इसी मकाम पर बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज का अलविदा आखिरी खुतबा भी इसी जगह पर दिया, और ये वही मकाम है कि जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की दुआ कबूल हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के पहाड़ों पर उतारा गया और अम्मा हव्वा को जद्दा के पहाड़ों पर उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी वो इस पहाड़ से हाइट बड़ी थी, लेकिन 40 साल तक इस पहाड़ के इर्द गिर्द घूमते रहे। एक दूसरे की बात सुन सकते थे लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर लो। अल्लाह ने यहाँ पर आयत भी पढ़ी और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल करी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की मुलाकात इसी मकाम पर हुई, और इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आज अल्लाह का दीन मुकम्मल हो गया। सब सहाबा और साथी खुशी मनाने लगे, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु रो रहे थे। पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? अर्ज करने लगे कि क्या तुमने नहीं सुना कि हमारे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह का दीन आज मुकम्मल हो गया। इस बात से यह जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में हमारे नबी हमारा साथ छोड़ जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ छोड़ गए। आज का भी खुश नसीबी है जो आज हम इस मकाम पर खड़े हैं। हम इस लायक ना थे, लेकिन अल्लाह ने आज हमें यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर दुआ करना अफजल है। बाज़ हजाज यहाँ पर आते हैं, इन पत्थरों को चूमते हैं, इनके ऊपर नाम लिखते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर ब्लैक कर रखा है, ये नाम लिखे हैं लोगों ने और पत्थरों पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं, लेकिन इसका दुआ करना अफजल है। अगर कोई ऊपर जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन क्या वक्त की पाबंदी करेंगे? जाना हो तो सीधे सीढ़ी के रास्ते से जाएंगे, पत्थरों से नहीं जाएंगे। पत्थरों पे क्योंकि कई जगह पे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, लोग ऊपर पांव रख के जाते हैं, बेअदबी होती है, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई, हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, काफी सारा रास्ता हमने तय कर लिया, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसलिए काफी सारी सहूलत हो रही है। लो जनाब, लो भाई जान, हम ऊपर आ चुके हैं, सांस फूल गई है, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। ये ऊपर का मंजर देखें आप, ये वो पत्थर है जहाँ पे नाम लिखते हैं। हालांकि उन्होंने बताया भाई ने कि ये लिखना नहीं चाहिए, गलत है, पर ऊपर से आपको व्यू दिखा देते हैं ज़रा। ये भाईजान, ऊपर से व्यू नज़र आता, दूर दूर तक पहाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छा मंज़र नज़र आ रहा है। जबल अरफात नहीं, जबल रहमत पहाड़ी का नाम है। यहाँ पे हज भी होता है, वो नीचे जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखें आप, लोगों ने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जो कि गलत है। अब लोग यहाँ पे देखें पाँव रख के चढ़ते हैं, तो नाम भी लिखे हुए हैं तो गुनाह होता है, कोशिश करें कि ये काम ना करें। सारा आपको इधर से भी दिखा देते हैं, ये भी पहाड़ी देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे आपने दो नफल अदा करने हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे आता है जबल अरफात, जबल रहमत पहाड़ी पे, यहाँ पे आके दो नफल अदा करें, ठीक है भाई। हमारा मकसद था आप लोगों को बताना कि जो बंदा अगर नहीं आता तो उसको नहीं पता, तो ज़ियारतों का पता चल जाए, तो ये हमने आपको बता दिया। ऊपर से सीढ़ियाँ भी आपको दिखाते हैं, तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। ये सीढ़ियों का मंजर, ये इतनी सीढ़ियाँ, बूढ़े बंदे तो इतने नहीं चढ़ सकते, हाँ कि जवान हो जाएगा तो वो चढ़ जाएगा, बूढ़े तो फिर आस्ता आस्ता आस्ता, इतना टाइम भी नहीं है, अगर चढ़ भी सकते हैं तो इतना टाइम नहीं है, 20-25 मिनट देते हैं बस वाले,
इतना टाइम नहीं मिलता। ओके, खुदा हाफिज़।